उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में मनोज सरकार स्टेडियम में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय खेलकूद समारोह का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक अरविंद पांडे, राष्ट्रीय सेवक संघ वरिष्ठ प्रचारक स्नेहपाल सिंह आदि अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आई टीमों द्वारा मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी गई। अपने संबोधन में मुख्य पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर बच्चों को आशीर्वाद दिया। सर, मैं पार्टी ब्लॉक से चंपौत से हूँ। मुझे दौड़ना बहुत पसंद है और मेरे सपने हैं कि मैं रनिंग में सबसे फर्स्ट आऊँ, कभी भी हारूँ ना। अच्छा, आगे क्या बनने की इच्छा है आपका? पुलिस। पुलिस, बाकी अभी नागपुर जाने का पूरा इरादा है? हाँ सर। अच्छा। देखिए, सरकार की योजना क्या रहेगी ये तो सरकार बता पाएगी, किंतु एकल अभियान ने ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले 4 लाख गांवों को फोकस किया है पूरे देश में। इन गांवों के बच्चों को हम खेल जगत में अवसर प्रदान करने वाले हैं। एकल अभियान के अभ्युदय यूथ क्लब जो पूरे प्रदेश के खेल कूद है, जिसमें पिछड़े लोग, गांव से जो आंगनबाड़ियों में खेलते हैं बच्चे, जो सुदूरवर्ती पहाड़ क्षेत्र के लोग हैं और पूरे देश में जो पिछड़े क्षेत्र से लोग आते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम एकल अभियान अपने अभ्युदय यूथ क्लब की तरफ से कर रहा है। मुख्य उद्देश्य जो एकल विद्यालय, जो हमारे एकल संस्था है, इसका उद्देश्य यह है कि दूर क्षेत्र के बच्चे, जहाँ पे विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंच सकते, विद्यालय बच्चों के पास पहुंचता है। इस तरीके से हमारा एकल विद्यालय काम कर रहा है और ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल बिल्कुल किनारे वाले किनारे, देश के बिल्कुल लास्ट के हिस्से के क्षेत्र के बच्चे हैं, जहां पे सरकार भी नहीं पहुंच सकती, वहां पे ये बच्चे एकल विद्यालय द्वारा काम करते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।